इसमेरमान रहीम असल आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन स्पेशल शो फॉर द वर्ल्ड कप विच इज़ अन वे इन ऑस्ट्रेलिया आज तीन मुकाबले होंगे एक मुकाबला मुकम्मल हो चुका है और क्या मुकाबला हुआ उसमें रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड्स बने इस वर्ल्ड कप में हमने एक नया रिकॉर्ड भी देख लिया अब दो रन प्लस बना लिए गए हैं मतलब इस वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है इस वर्ल्ड कप का पहली सेंचुरी भी बना ली रायल रूसों ने और उसके अलावा बांग्लादेश को 104 सौ रन के भारी मार्जिन से शिकस्त देकर जनूबी अफ्रीका इस ग्रुप में मुस्कम पोजीशन हासिल कर चुकी है राइल रूसो की सेंचुरी के बारे में मैंने आपको बताया बहुत उम्दा उन्होंने बैटिंग की और बिल्कुल आउट क्लास किया बांग्लादेश को दूसरा मुकाबला इंग्लैंड इंडिया और नदरलैंड का इस वक्त जारी है इंडिया की टीम बैटिंग कर रही है विराट कोहली और सूर्या कुमार यादव क्रीज पर मौजूद हैं अब इससे कुछ देर पहले पचास रन करने के बाद रोहित शर्मा जो कप्तान हैं इंडिया के वो आउट हुए तीसरा मुकाबला पाकिस्तान और जंबावे के दरमियान होगा दोनों टीम्स के दरमियान अगर आप मुन करें रेकॉर्ड्स का तो कोई ऐसा मुकाबला है नहीं पिछले दो सालों में गो के आ, मावे की टीम दो कामयाबियाँ हासिल कर चुकी है एक वनडे में 2020 में और एक 2021 में हरारे में टी ट्वेंटी मैच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़तः समेटी थी तो लेकिन ऑन पेपर ऐसा कोई मुकाबला नज़र नहीं आता लेकिन ऑन पेपर वाली सूरत है नहीं कुछ भी हो सकता है इट्स अ टी ट्वेंटी फॉर्मेट तो कुछ भी हो सकता है और क्या होगा इस मैच में और क्या हुआ गुज्त मैच में क्या होगा आ, कल के मुकाबलों में उस पर बात करने के लिए मेरा रेगुलर पैनर हारून रशीद साहब पाकिस्तान के सबक चीफ सेलेक्टर और डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर अंडर अंडर जूनियर टीम के कोच और पता नहीं क्या क्या किया आपने हारून भाई एक अपना, के एक अपना तारुफ आप हाँ बता दें कि मैं वो करवा <laughs> मेरा ख्याल है टेस्ट क्रिकेटर ही सबसे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद और उनके साथ तकरीबन फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जमा भी मेरे साथ बैठे हैं तकरीबन मैंने इसलिए कहा कि इन्होंने डोमेस्टिक सतह पे तो नहीं मतलब वो जो क्लब लेवल पे बड़ी क्रिकेट खेली है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है बद्यू जमा कैसे के आज आज टी शर्ट ऐसे मेरे का मैच हो रहा है तो टी शर्ट में मैच की बात नहीं कर रही अच्छा आज सुबह सुबह भी एक मैच हुआ बांग्लादेश साउथ अफ्रीका वो मैच बड़ा जबरदस्त जीता साउथ अफ्रीका ने देखिए साउथ अफ्रीका जब टॉस जीता उन्होंने बैटिंग की उन्होंने तो मुझे उनकी उसमें एक मतमी अमली जो थी उसमें ये एक प्लान नज़र आया कि हमने क्या करना है और उसी प्लान के मुताबिक आप देखें कि हालाँकि उनके कप्तान जल्दी आउट हो गए लेकिन उसके बाद डी कॉक और रेडी रेसू ने जिस तरीके से बैटिंग की और पूरा फ़ायदा उन्होंने पावर प्ले का उठाया और पावर प्ले में उन्होंने साठ और सत्तर के दरमियान रन कर लिए जिससे फ़ायदा हु, हुआ जनूबी अफ्रीका को और उसके बाद पंद्रह चौदहवा ओवर तेरह इशारिया तीन ओवर में जो जुनूबी अफ्रीका ने डेढ़ सौ रन कर लिए थे लेकिन आखिरी के आप देखें कि तकरीबन पाँच चार या तीन ओवर में सिर्फ उनके जो रन बने हैं वो चौवन रन बने आखिर में ज़रा स्लो हो गए लेकिन रैली रसू ने जो बैटिंग की सात छक्के लगाए सात चौके लगाए और पूरा उन्होंने पावर प्ले का भी फ़ायदा उठाया और किसी चाहे वो उनके स्पिनर हों या उनके फास्ट बॉलर हों सब के सामने वो बड़ा जबरदस्त के लिए और डी कॉक जिस चीज़ें बैटिंग कर रहे हैं अपनी फॉर्म में वापस आ गए पहले कुछ अर्सा वो फॉर्म में नहीं थे पिछले मैच में भी आपने देखा कि उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी उसमें बारिश हो गई थी तो मेरे ख्याल में जनूबी अफ्रीका ने इस मैच को जीत कर और बड़े मार्जन से जीत कर जो है ना अपने पॉइंट्स टेबल को जो है बड़ा अप किया है अब उनका रन रेट जो है वो फाइव फाइव फाइव, फाइव पॉइंट से ज़्यादा ऊपर हो गया है तो मेरे ख्याल में ये उनको आगे वाले आने आने वाले मैचेज में बहुत ज़्यादा फायदा बैटिंग की तो उन्होंने बात की लेकिन बॉलिंग में भी बड़ा अच्छा किया साउथ अफ्रीका ने तबेश शमसी और नोकिया चार खिलाड़ी नोकिया ने आउट किया तबनेश शमसी जो लेग्समैन है टॉप के उन्होंने तीन खिलाड़ी को आउट किया और सिर्फ एक ही बैटिंग परफॉर्मेंस हमें नजर आती है लेंटन की 34. बाकी सब उनके ऐसे ही बैट्समैन रहे देखिए साउथ अफ्रीका पिछले छः से आठ महीने में बहुत जबरदस्त सिमर्ज करके आई है क्योंकि आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि कुछ एक डेढ़ एक डेढ़ साल पहले इनको कुछ इश्यूज थे कप्तानी के भी इश्यूज थे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी आपको याद होगा कि डिकॉक ने कप्तानी छोड़ी उसके बाद से ये लोग डिसैरे में थे लेकिन पिछले छः से आठ महीने में मैंने जिस तरीके से इनको टी ट्वेंटी के सेटअप में आते हुए देखा और जिस तरह कॉम्बिनेशन इनका बना आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले वो पूरी तरह तैयार थे इस वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने रायले रूसो को जो कि दो साल के बाद टीम में वापस आए जबकि उनको ड्रॉप किया हुआ था उन्होंने आते ही अपनी जगह बनाई माक्रम उनके बड़े अच्छे प्लेयर हैं प्लस डोसन जो है वो भी शायद बाहर बैठे हुए हैं लेकिन इनका बड़ा अच्छा ऑलराउंड पैकेज है और क्या ज़बरदस्त फील्डिंग साइड है ये लोग बिल्कुल एथलीट हैं दूसरी तरफ अगर हम बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश पिछले डेढ़ से दो साल में नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आ है बांग्लादेश उसका रीज़न भी यही है कि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स मेरे अपने नज़दीक आप देखें दो से तीन कोचेज उनके चेंज हुए वहां भी एक इशू है कि वहां के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना वो भी रेन इन करना चाहते हैं कि जी हमें ही सब कुछ पता है आप बाहर से लोगों को मत बुलाएं तो वहां की जो ये टसल है ना उसकी वजह से प्लेयर्स का भी वहां पर पावर्स आप देखते हैं शकीब वहां पर रूल करते हैं आप देखें मुशफ़र रहीम जो कि बहुत अच्छी उनके लिए बैटिंग किया करते थे उनको उन्होंने ड्रॉप कर दिया दूसरे प्लेयर्स उनके बीच में आ गए लेकिन उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है तो इसलिए मैं इसीलिए कह रहा था कि इस ग्रुप में जो बाकी दो तीन टीम है ना बांग्लादेश बहुत बुरा खेल रही है यू नेवर नो एक आध मैच वो अच्छा खेल जाए दूसरी तरफ नीदरलैंड का वो एक्सपीरियंस नहीं है वो एक्सपोजर नहीं है कि वो किसी को तंग कर सके बेसिकली जो फाइट है वो इन तीन कंट्रीज में है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एंड एंड इंडिया अब इनमें से जिन्होंने आपस में मैच खेलना है प्रॉब्ली वो डिसाइड करेगा कि कौन सी दो टीमें जो हैं वो ऊपर जाएंगी क्योंकि इनमें से दोनों के मैचेस भी बाकी हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच बाकी है इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच बाकी है जो तो दोनों मैच जीत गया वो तो श्योर हो जाएगा फिर जैसे बदी जो रन रेट की बात कर रहे थे नेट रन रेट उस वक्त आएगा कि दो टीमें एक जगह पर खड़ी होंगी मेरे नज़र एक तो मुझे क्लियर जो होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो भी टीम इन दोनों टीमों को जीत के ऊपर चली जाएगी वो तो नंबर वन फिनिश करेगी लेकिन सेकेंड नंबर के लिए आपका नेट रन डेफिनेटली अपना काम करेगा लेकिन पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से खेल रही है और जो कॉम्बिनेशन उनका है और वो अगर उनके तमाम जो आ आ अगर आप देखें अगर बैट्समैन क्लिक कर जाएँ बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है

न्यूजीलैंड आप... है फोर पॉइंट फोर पॉइंट मैं यही बात कर रहा हूँ कि रन रेट अभी से इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो तीनों मैचेस हैं उन तीनों मैचेस में पाकिस्तान को जो है बेहतर रन रेट के साथ अच्छे मार्जिन से जीतना होगा जब भी वो जो है रन रेट उनका बेहतर चलो होगा। अभी ब्रेक का वक्त है ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स मैन इंडिया वर्सेज नेदरलैंड्स इस वक्त मुकाबला चल रहा है और तकरीबन आखिरी ओवर्स में दाखिल हो चुका है पंद्रह ओवर्स हो चुके हैं और भारत की बैटिंग जारी है विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं आप आरूल रशीद साहब इस मैच पे आ जाते हैं जो इंडिया का चल रहा है कितना टारगेट आपको लग रहा है कि हासिल कर लेगी इंडिया की टीम देखिए एक, एक सौ अस्सी नब्बे तो करना चाहिए बिकॉज दो विकेट्स उनके गिरे हुए हैं चार ओवर जो बाकी हैं और जो नदरलैंड का जो अटैक है मुझे कोई इतना ज़्यादा पैनिटेटिव नहीं लग रहा क्योंकि ना उनके पास इतने फास्ट बॉलर्स हैं और ना ही कोई बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं जिस तरीके से सूर्य कुमार खेल रहे हैं मुझे अंदाज़ा है कि ये लोग अगर एक सौ सत्तर अस्सी या इवन एक सौ नब्बे भी अगर कर जाते हैं तो जो बोलिंग आमरी है इंडिया के पास आई थिंक इंडिया अच्छी पोजीशन में अगर बारिश नहीं होती क्योंकि बारिश का फैक्टर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस इस वर्ल्ड कप में और यही वजह है कि जो साउथ अफ्रीका को जो फिक्र है वो यही कि एक पॉइंट उनको जो मिला जिम्बावे के खिलाफ बारिश की वजह से वो उनको कभी कहीं ना कहीं हर्ट कर सकता है तो इसलिए बाकी टीमें जितनी भी हैं वो इस चीज़ की कोशिश करेंगी कि वो सारे मैच अपने जीतें क्योंकि कोई मैच वो हारे ना अच्छा ये विराट कोहली के स्टैट्स में देख रहा हूँ इस पर आपसे सवाल करूँगा यानी ऑफ साइड पर पॉइंट पर और बैकवर्ड पॉइंट पर एक रन भी नहीं बनाया विराट कोहली ने सैंतीस रन बना चुके हैं तो ये बॉलिंग किस तरफ इशारा करिए इस पर आता हूँ मैं भी सूर्य कुमार यादव भाई आपका फेवरेट बैट्समैन है बहुत तेज़ खेल रहा है जी तेज़ के अलावा सब भाई मैंने जब उसको बैटिंग करते देखा है तो इसकी क्लास मुख्तलिफ क्लास है जैसे आप जुनूबी अफ्रीका के डिविलियर को देखें तो उनके जो शॉट्स थे चाहे वो एक्स्ट्रा कवर में मार रहे हों कवर में मार रहे हों रिवर्स स्वीप खेल रहे हों तो सारे शॉट जो है सूर्य कुमार यादव के पास हैं तो ये किसी भी वक्त किसी भी बड़े मैच में ये पांसा पलट सकता है ऐसा बैट्समैन है दूसरा ये कि आप देखें अगर आज के मैच की शुरू की बात करें तो नौ ओवर में पूरा कंट्रोल था नदरलैंड को नौ ओवर में पचास रन इंडिया ने बनाए थे उस वक्त रोहित शर्मा को वही वाली जो फ्रेंच वाली हम बात कर रहे हैं उस तरह से बॉल भी उन सही नहीं पिक कर रहे थे उनके दो से तीन कैच भी छूटे राहुल जल्दी आउट हो गए उसके बाद जब विराट कोहली आए वो भी थोड़ा स्लो खेले तो ये रन जो बने इनके नौ ओवर के बाद जो है थोड़ा सा इन्होंने चेज ए, ए, लंबा खेला है पावर हिटिंग की है तो ये रन आए वरना शुरू में आप देखें कि नैदरलैंड ने बॉलिंग बुरी नहीं की उन्होंने इनको बड़ा फंसा के रखा हुआ था ये देखिए पूरा पूरा ऑफ साइड पर हारून भाई अगर पॉइंट से लेकर पूरा विकेट कीपर तक चले जाएँ विराट कोहली ने एक भी रन नहीं बनाया देखिए उसका एक रीज़न है मैं आपको बताऊं कि जब आप एज ए बैट्समैन अंदर जाते हैं गार्ड लेते हैं ना जो आप फील्ड के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं जब आप फील्ड पर देखते हैं कि किस जगह पर ज़्यादा फील्डर्स हैं तो आपको पता लग जाता है एज ए बैट्समैन कि बॉलर कहाँ बॉलिंग करेगा तो फिर कोशिश ये की जाती है कि हम उसका जो प्लान है बॉलर का उसके खिलाफ काम किया जाए अगर ऑफ साइड पैक है तो फिर कोशिश ये करते हैं कि वो ऑन साइड पे ज़्यादा रनस बनाएँ और कोशिश करते हैं इम्प्रोवाइज करते हैं हमने देखा होगा कि ऑफ ऑफसम से बाहर निकल के लोग ऑन साइड पर खेल लेते हैं क्योंकि वहाँ उनको गैप्स नज़र आते हैं क्योंकि जब अगर आप ऑफ साइड पर पाँच फील्डर्स खड़े हैं तो जितने मर्ज़ी आप शॉट्स मारेंगे वो या तो फील्डर के पास जाएंगे या पीछे स्वीपर कवर भी होता है और थर्ड मैन भी होता है तो इसलिए ऑन साइड पर सिर्फ तीन फील्डर्स होते हैं चार फील्डर्स होते हैं गैप ज्यादा होते हैं तो एक ये भी रीज़न दूसरी रीज़न ये है कि अगर बॉलर थोड़ा सा ऑफलाइन हो अगर मिडल और लेक स्टम्प बॉल कर रहा है तो ऑब्वियसली सारे रन ऑन साइड पर ही बनेंगे अगर वो ऑफ स्टम्प से बाहर बॉल कर रहा है तो फिर उसको मुश्किल होती है बैट्समैन को तो उसको कैसे वो ऑन साइड पर लेके जाएगा तो एक्चुअली इंडियन के जो बैट्समैन है वो विकेट के चारों तरफ बहुत अच्छा खेलते हैं कट शॉट अच्छी खेलते हैं कवर अच्छा मारते हैं ऑन साइड पर बहुत अच्छा खेल लेते हैं तो मेरे नजदीक वो एक पैकेज है पूरा, बॉलिंग कर रहे होते हैं आप थोड़ा सा रूम बनाते हैं लेग स्टम पे जाके आपको क्योंकि कवर्स और मिड ऑफ के दरमियान आपको गैप नजर आता है एक्स्ट्रा कवर में तो आप कोशिश करते हैं वहां पर हिट मारने की तो ये ये बात वो ये देखिए विराट कोहली जब आप शॉर्ट बॉल करेंगे तो वो पॉइंट पे जाएगा या जा या थोड़ी सी बार गेंद करेंगे तो वो कट खेलेगा तो ये गेंद ऐसी कर रहे हैं कि विराट कोहली को आप देखा होगा कि अपने शॉर्ट पूरा शॉर्ट खेलता है उसको फील्ड के मुताबिक खेलता है कि इधर अगर प्लेयर फील्डर खड़ा है तो उस तरफ नहीं खेलता क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि आप जब कट मारने जा रहे हो तो एज लगी तो जो आपका पॉइंट पे फील्डर आगे खड़ा होता है या गली में खड़ा होता है तो वो कैच पकड़ सकता है तो इसी वजह से विराट कोहली को आप देखेंगे ज़्यादा

मतलब सेकंड बैटिंग मुश्किल में जाती है जब भी 160 सौ बोर्ड पे लगाओ और अगर आपकी बॉलिंग साइड अच्छी है फील्डिंग अगर उसको बैक कर रही है तो ये थोड़ा मुश्किल टारगेट हो जाता है तो अभी तो खैर इंडिया की बैटिंग है अब आ जाएँ पाकिस्तान और जिम्बावे हम इंडिया के मैच की बात करते रहेंगे लेकिन पाकिस्तान जिम्बाव्य भाई जान पाकिस्तान जिम्बाव्य के रिकॉर्ड अगर देखें तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है तो आज टीम में कोई तब्दीली हो रही है देखिए रिकॉर्ड की अगर बात करते हैं रिकॉर्ड पीछे रह गए आज का मैच है नया मैच है और आपके ऊपर प्रेशर भी है उस प्रेशर से भी निकलना है आपने मैच भी जीतना है और मैच जीतने के साथ साथ आपने अपने रन रेट को भी बेहतर करना है तो उस पर आपको फोकस करना अगर आपकी पहली बैटिंग आती है तो मेरे ख्याल में आसिफ भाई पाकिस्तान को एक सौ सत्तर से अस्सी स... कैसे पाकिस्तान का को? बैट्समैन चेंज हो रहा है एक बॉलर, बॉलर ये इतला यही अभी हमें जरा से पता चली कि ये एक फास्ट बॉलर को इन कर रहे हैं वसीम जूनियर को बाकी स्क्वाड वही खेलेगा यानी कि एक फास्ट बॉलर को ही बढ़ा रहे जगह वसीम जूनियर को हैदर अली या आसिफ अली की में से किसी एक को बार किया जा रहा है और वसीम जूनियर को खिलाया जाएगा तो चार फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं अगर पाकिस्तान की पहले बॉलिंग हुई तो पाकिस्तान कोशिश यही करेगा कि कम से कम रन पेटर आउट करके, जाएर करके हम अपने रन रेट को भी बेहतर करें लेकिन अगर पहली बैटिंग में आप फंसते हैं अगर पहली बैटिंग में अगर आपने एक सौ सत्तर अस्सी रन नहीं किए अगर वही अगर एक सौ चालीस पचास रन हुए तो फिर आप मुश्किल में बच जाएंगे अगर जंबावे भी आपके करीब तक मैं ये तो नहीं कह सकता कि जंबावे पहले से ही आ गया लेकिन जंबावे आपको टफ टाइम दे सकता है ये सोचकर आपको मैदान में जाना होगा और आज जो है ना रन्स करने होंगे आपने बॉल्स डॉट जो है वो कम खेली होगी बॉलिंग में आपको कोई शक नहीं आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट ऐसा है कि जंबावे की जैसे बैट्समैन हैं उनको काबू कर सकता है लेकिन मेन आपका इशू है बैटिंग बैटिंग में अगर हमारा टॉप ऑर्डर पहले में तो नहीं चला गया दूसरे मैच में शान मसूद, रिजवान और बाबर रन कर जाते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पाक पाक का रन रेट काफ़ी मतलब नीचे है माइनस ज़ीरो फाइव जीरो इसका रीजन यही है कि एक ही मैच था और बहुत ही क्लोज हाँ. मैच हुआ था इसलिए नेट रन रेट तो अभी अप्लाई नहीं हो रहा लेकिन जो एक चीज है कि पर्थ में मैच हो रहा है अगर आपने पिछले श्रीलंका वाला मैच भी देखा हो तो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स ने काफी तंग किया था न फोर्टी टू के करीब उन्होंने रन किए थे सो so, पाकिस्तान का पेस अटैक बहुत अच्छा है ये अच्छा डिसीजन होगा अगर ये वसीम को लेके आएंगे चार फास्ट बॉलर्स पर्थ की पिच के ऊपर और जिम्बावे की जो आ, आ, बैटिंग है आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो कोई इतना अच्छा नहीं खेल सके थे आ, तो मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान को एडवांटेज डेफिनेटली है उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है ख़ास तौर तो पर कंडीशन भी उनको सूट करेंगी क्योंकि पेस एंड बाउंस है जिसकी वजह से पाकिस्तान साउथ जिम्बावे के बैट्समैन को प्रॉब्लम में डाल सकता है लेकिन टी ट्वेंटी की जो क्रिकेट है ना ये बहुत अनप्रडिक्टेबल होती है आप कह नहीं सकते कि क्या क्योंकि अगर आपने फील्डिंग अच्छी नहीं की अगर बॉलिंग आपकी अच्छी हो भी गई और आपने कुछ जैसे हमने अभी देखा कि रोहित शर्मा के कैचे छूट गए इससे पहले हमने और भी देखा कि बाद अगर आप अच्छे इंपॉर्टेंट बैट्समैन के कैचे छोड़ देते हो तो फिर आप उसको फिर पे करते हो सो आई थिंक दोनों तरफ ये जरूर होगा जिम्बावे की टीम को मैं देख रहा हूँ पिछले चार या पांच सालों से उनके जो प्लेयर्स हैं वही हैं उनके पास नए प्लेयर्स ऐसे सच नहीं आ रहे वही शॉन इरवन है वही उनके वो विलियम्स वही आप देख कि कि अभी अभी तक तक वो बिलीव वो बिलीव कर रहे हैं उसके ऊपर ऊपर रजा के, के वो, आ, अभी आ, तक उनका मेन बैटिंग का स्टे है, सिकंदर रजा पे सो so, मेरे अपने नजदीक पाकिस्तानी इसको उनके बारे में पूरी तरह पता है कि वो किस तरीके से खेलते हैं उनकी बॉलिंग में भी कोई इतनी पेनिट्रेशन नहीं है मज़रबानी जो है वो ठीक है अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं बट यू नो क्योंकि अगर पिच हेल्पफुल है तो उनके बॉलर्स को भी हेल्प करेगी तो पाकिस्तानी बैट्समैन को जैसे कि इन्होंने कहा बड़ा सोच समझ के खेलना होगा अगर विकेट्स गिरती हैं तो वाला बै, बैटिंग के ऊपर ही प्रेशर आता है अगर विकेट्स नहीं गिरती तो आप जैसे आप इंडिया की सिचुएशन है दो विकेट्स गिरे हुए हैं वो आखिरी तीन चार ओवर में जितने मर्जी रन वो कर लें लेकिन अगर आपके आखिरी तीन ओवर में तीन ही बैट्समैन अगर आपके पास बाकी होंगे तो आप क्या रन्स करेंगे अच्छा पिच की कंडीशन के हवाले से मैं आपसे पूछूंगा ग्रीन पिच बताई जा रही है और उस पर हल्का सा टिंच ऑफ ग्रास भी है उसके बारे में आप बताइएगा आप क्या लग रहा है तुम्हें कि ये तो दो तब्दीलियां तो कर रहा है पाकिस्तान ठीक है लेकिन स्कोर 180 सौ अस्सी ज्यादा ही पाकिस्तान से हम तो कर रहे हैं देखिए हम जिम्बाब्वे की बॉलिंग को हल्का ले रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है जंबावे की बॉलिंग हल्की नहीं है अगर आप मीडियम पेसर जब गेंद कर रहा होता है अगर आपकी पहली बैटिंग आ जाती है जंबावे के मीडियम पेसर गेंद कर रहे होते हैं और को पर की विकेट पे अगर ये हल्का सा ग्रास भी हुआ ग्रीन पिच पी, हुई तो फिर वहाँ पर जो मीडियम पेसर होता है ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है अगर उसकी गेंद बाहर निकल रही है या अंदर आ रही है तो वो ज़्यादा मुश्किल हो सकती है तो यहाँ यही है कि आपको जो है ख़ास तौर पर जो है ना जाना पड़ेगा पावर प्लेयर में आपको जो है ना जिस तरीके से आप खेलते हैं वैसे नहीं खेलना पड़ेगा पावर प्लेयर में आपको 55 से 60 रन करने पड़ेंगे ताकि जो मिडल में बैट्समैन आए उन प्रेशर हो मेरा हमारा अक्सर ये होता है कि हम पावर प्लेयर में रन नहीं करते 10 ओवर में हमारे रन होते हैं सत्तर पचहत्तर रन या सत्तर रन तो उसमें फिर दबाव आ जाता है मिडल ऑर्डर पर और मिडल ऑर्डर आउट हो जाती है और मैं भी बात कर रहा होता हूँ आप भी बात कर रहे होते हैं कि मिडल ऑर्डर ने कुछ नहीं किया तो अब जैसे इफ्तार चले अलग कर इस में भी वो रंस करते हैं शान मसूद कर दें तो पाकिस्तान एक सौ सत्तर अस्सी तक जा सकता है लेकिन उसके लिए आपको बॉल जया नहीं करनी देखिए एक और तो तो फास्ट बॉलर क्यों खिला रहे हो जब एक सौ अस्सी चाहिए आप नवाज से बैटिंग कराते आप शदाब से बैटिंग तगड़ी बॉलिंग लाइनअप पे भी एक सौ अस्सी चाहिए भाई भाई इस वजह तो से चाहिए अब ये टी आसे भाई तगड़ी बॉलिंग मसला नहीं है अगर बाद में सेकंड बैटिंग में पिच का बिहेवियर चेंज हो गया वो सीधा खेलने लग गया तो फिर क्या करेंगे आप एक छोटी सी बात कि कल पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया को आप देंगे पावर प्ले में श्रीलंका ने उनको एक चौका एक छक्का नहीं मारने दिया ओवर में तैंतीस रन थे उसमें कोई बाउंड्री नहीं थी ये भी देख रहे मेलबर्न मैच हो रहा था मेलबर्न में जो मैच हो रहा था तो देखिए उसमें एक बाउंड्री नहीं थी तो अगर इस तरह की कंडीशन में आप फंस जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे चले हारून भाई आप बताइए पिच कंडीशन के बारे में आपको बेहतर पता है फोरकास्ट जो है वो नहीं है क्लाउडी होगा लेकिन रेन नहीं है पिच पे ग्रीन टिंच है जो कि नई गेंद स्विंग होगी उससे देखिए सीधी सी बात है लेंथ क्या होगी ये सिर्फ स्विंग की बात नहीं है सीम हाँ। भी होगा हो। और अगर सीम होगा ना तो दोनों बैट्समैन दोनों तरफ के बैट्समैन को प्रॉब्लम होगा क्योंकि फास्ट बॉलर्स जो हैं वो ऐसी ग्रीन पिच के ऊपर जब उन सो लेटर मूवमेंट शुरू हो जाए ना तो फिर कोई भी बैट्समैन देखें हम जब बात करते हैं ना पावर प्ले की तो हम ऐसी पिचेस के ऊपर बात करते हैं जब गेंद बिल्कुल सीधा आ रहा हो वहाँ पर तो आप बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हैं लेकिन जहाँ हेल्पफुल विकेट मिल जाए बॉलर्स के लिए तो फिर वो मैच आपका लगभग एक सौ का रह जाता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया और उसके मैच को भी देखें श्रीलंका के मैच को भी तो अगर वो स्टोनस की वो आउटस्टैंडिंग इनिंग ना होती तो ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त इवन उनका मेन बैट्समैन जो कि होम कंडीशन में खेल रहा था फ्रेंच उसके बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी तो जहां हेल्पिंग विकेट होगी बॉलर्स के लिए वहां बैट्समैन का इम्तहान होता है तो इसलिए इतना ईजी नहीं होगा प्रॉब्लली अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पहले से दो से तीन ओवर में उनको पिच का जायजा लेना होगा कि पिच क्या कर रही है उसके बाद फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी देखिए दो चीज़ें होती हैं एक तो होता है कि आप जब टीम मीटिंग करते हैं उस वक्त आप फैसला करते हैं कि आपने पिच देखी हुई है कि आपके जेन में पार स्कोर क्या है आप समझते हैं यार एक सौ होना चाहिए द मोमेंट आप बैटिंग करने जाते हैं आपने टॉस जीत के बैटिंग की और जैसे ही आपने पहला ओवर खेला तो दोनों बैट्समैन को आइडिया हो जाता है कि पिच क्या कह रही है तो आप अपना रीथिंक करते हैं कि नहीं यार अब 170 सौ सत्तर नहीं हो सकता यहां पर तो हमें एक के लिए जाना है तो आप उसके मुताबिक खेलते हैं अगर बहुत ही अच्छी बैटिंग पिच है तो फिर वही आप कहते नहीं अब 170 नहीं हम 190 सौ नब्बे पर जाना है क्योंकि पिच बहुत अच्छी है तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि ऑन द स्पॉट आप डिसाइड करते हैं टॉस से पहले आपने बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाई हुई होती है कि हमने ये करना है लेकिन द मोमेंट जब बॉलिंग करने आप जाते हैं आपने देखा कि मेरा बॉल सीम कर रहा है तो एकदम से आप प्रेशर डाल देते दो स्लिप रख लेंगे और अब कोशिश करेंगे 140 के अंदर अंदर को आउट करें 130 के अंदर इनको आउट करें तो ये वो चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ना प्लानिंग और स्ट्रेटजी तो ये ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है बिल्कुल ठीक कहा अरुण रशीद साहब ने सूरत हाल के हिसाब से हमत अमली में बदल या हमत अमली को एडजस्टमेंट करने को करने का नाम ही क्रिकेट है और क्रिकेट समझने वाले उसी चीज़ को समझते हैं और उसी तरह से काम करते हैं एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद आर सी यू वंस अगैन आखिरी ओवर का खेल चल रहा है इस वक्त जिम्बा इंडिया और नैदरलैंड के दरमियान और एक सौ बासठ रन अभी इंडिया ने बना लिए हैं अभी मैच चल रहा है उसका क्या अपडेट होती है वो भी आपको देंगे <coughs> विराट कोहली अभी तक खेल रहे हैं ज़बरदस्त से नहीं खेली दूसरी फिफ्टी बना ली उन्होंने आई थिंक uh, पाकिस्तान की जो आउट क्लास uh, वो खेल गए खिलाफ पाकिस्तान के और उन्होंने जो इनिंग खेली उससे कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा बढ़ uh, गया लेकिन अभी मैं फील करता हूँ कि स्ट्राइक रेट में वो बात नहीं है जो कि होनी चाहिए थी क्योंकि 162 सिक्सटी टू रन हैं उन्नीस ओवर्स हो गए हुए हैं तो मेरे अपने नज़दीक जिस तरीके से वो सूर्य कुमार खेल रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं सो मे बी ये आखिरी ओवर में हो सकता है ये अट्ठारह बीस रन करने की कोशिश करेंगे ताकि एक सौ सत्तर अस्सी अस्सी से ऊपर ये ले जाएँ विच इज़ नॉट अ बैड स्कोर सिडनी की पिच थोड़ा स्पिन भी लेती है थोड़ा नीचे भी रह रही थी एक बॉल तो बहुत ही नीची, नीची रही तो सेकेंड इनिंग uh, में थोड़ा सा इशू हो सकता है बैटिंग करने वाली साइड को पिच काफी कुछ रफ भी नज़र आए थे पिच वो इसलिए कि सिडनी की पिच वाहिद वो पिच है ऑस्ट्रेलिया में जो स्पिनर्स को हेल्प करती है और थोड़ा सा लो बाउंस होती है बाकी तमाम पिचेस चाहे आप सिडनी मेलबर्न चले जाएं आ, पर्थ चले जाएं या आप ब्रिस्बेन चले जाएं आ, एडलेट चले जाएं वहाँ आपको अच्छा बाउंस मिलेगा जब बैट्समैन को भी स्ट्रोक्स खेलने में मजा आता है और बॉलर्स को भी बॉलिंग करने में काफ़ी हो गया एक सौ तो ऐसे डर है उन्नीस से चाहिए एक ओवर तो आसिफ भाई जो बात कर रहे हैं अरुण भाई जब मैं मैच देख रहा था मैच स्टार्ट हुआ था तो इस वक्त भी विकेट जो आने के इतने अच्छे बॉलर्स नहीं है न्यूजीलैंड <coughs> के पास लेकिन वो जिस लाइन और लेंथ से गेंद कर रहे थे तो इंडिया को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उनसे रोहित शर्मा से ईट नहीं लग रही थी राहुल ने कोशिश की उससे ईट नहीं लग रही थी तो उस वक्त पिच का जो बिहेवियर था वो कुछ ऐसा था कि कभी गेंद नीचे भी आ रहा था ऊपर भी आ रहा था तो यही अगर सेकंड बैटिंग में और इंडिया के के पास जो जो आने से कुमार हैं फिर हार्दिक पांड्या हैं इनके पास उसके बाद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो हैं अरदीप जो हैं तो इनके बॉलिंग की इनिंग से मुतमिन बिल्कुल मुतम देखिए देख ये बड़े बैट्समैन की देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है बड़े प्लेयर की यही निशानी होती है कि जब उसको एक अच्छी इनिंग्स मिल जाती है तो उस अच्छी इनिंग्स को आप फायदा उठाते हुए अपने ऊपर से प्रेशर सारा हटा देता है और फिर उसका मकसद यही होता है कि मैंने रंस करने और विराट कोहली में रन्स की बूख है आप ये देखिए हमेशा रन्स की भूख रहती है वो चाहता है कि मैं हर इनिंग्स में रन्स करूं और आपको करता हुआ नजर स्ट्रगल भी करता है लेकिन कोशिश ये करता बाबर है बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है बाबर आजम बड़ा प्लेयर है बाबर क्या? आजम अभी उसके सामने कुछ भी नहीं, <coughs> नहीं हम कहते हैं हम मिला देते हैं भाई मिला देते हैं ऐसा नहीं है विराट कोहली बहुत बड़ा बैट्समैन है बाबर आजम को विराट कोहली तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा ये बात मान लें हम तो हैदर अली जब आया था उसने चार शॉट क्या खेल लिए थे हमने कहा था रोहित शर्मा है आज आप उसको क्या कह रहे हैं कि वो उसकी टीम में जगह ही नहीं बन रही तो मेरे ख्याल में एकदम से हम जो है ना उसको मिला देते हैं एक टॉप क्लास प्लेयर से इसने बहुत मैच खेल लिए हैं भाई इकहत्तर बहत्तर सेंचुरियाँ उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में हो चुकी हैं 100 से ज्यादा उसकी फिफ्टियाँ हो चुकी हैं चौबीस से ज़्यादा रन उसके हो चुके हैं तो कहाँ आप वराट कोहली कहाँ बाबर आजाद नहीं मैं उसको थोड़ा एक दूसरे एंगल से देखता हूँ क्योंकि मैं प्लेयर की ग्रेटनेस या उसकी अच्छाई को इस सूरत में देखता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस ने इम्पैक्ट क्या डाला क्या उसकी परफॉर्मेंस ने उसकी टीम को मैचेस जिताए बिल्कुल ऐसे जो विराट कोहली की जो परफॉर्मेंसेज है ना उसने इंडिया को बहुत मैचेस जिताए अभी तक अगर आप जितना भी उठा के देखेंगे कि बाबर ने या रिजवान ने रनस बहुत किए लेकिन क्या उनके रनस ने पाकिस्तान को मैचेस जिताए जो कि नहीं है इसी तरह लोग तेंडुलकर के बारे में कहते हैं कितनी सेंचरीज उन्होंने की बहुत ग्रेट बैट्समैन थे वो लेकिन उनकी सेंचरीज की कॉन्ट्रीब्यूशन ने उनके मैचेस नहीं जीता फेयर एज इंजमाम को अगर आप देखते हैं तो मैं आपको जावेद मियादाद को आप देखते हैं क्योंकि ये वो इंपैक्ट है विविन रिचर्ड्स को आप देखते हैं ये वो प्लेयर्स हैं जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन से उनकी टीम मैचेस जीती तो द मोमेंट बाबर आजम रिजवान अपनी टीमों को मैचेस जिताना शुरू कर देंगे उनकी ग्रेटनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी इसमें तो कोई शक नहीं है कि यू you नो know, टेक्निकली बाबर से अच्छा प्लेयर इस पर कोई नजर नहीं आता उसका रिस्ट वर्क उसका फुटवर्क बहुत अच्छा है स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर वन नंबर टू है बट वो स्टैट्स जो हैं क्या उसकी टीम के लिए उसकी जीत का जामिन बने हैं या नहीं बने ये ग्रेटनेस की तरफ लेके जाती है आज भाई 179 180 का जो टारगेट जो है वो इंडिया ने दिया है और पच्चीस बोलों पे इक्यावन रन की ये लिए है। पच्चीस पच्चीस बोलो पे इक्यावन रन की इनिंग खेली है सूर्या कुमार सूर्या कुमार ऐसा नहीं करें देखिए जब भाई हमारे यहाँ की देखिये विराट कोहलीट कोहली विराट कोहली सिंगल डबल विराट कोहली चाहता है अपने पास स्ट्राइक रखता है ना जब उसको उसने देखा कि इसके लग रहे हैं

मतलब ये ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि आज ये हुआ लेकिन आप देखेंगे जैसे ही स्टोनस और फिंच आए तो फिंच एक रन लेके ले उसको उसको कर स्टॉइनस ये, ये, ये।, so, ये गेम प्लान में ये सब देख रहे होते हैं कि यू नो जैसे हम अगर पार्टनरशिप चल रही है और मेरे बैट पे अगर बॉल आ रही है तो मेरा पार्टनर कहेगा कि मैं ज़्यादा स्ट्राइक इसी को मतलब आ, मुझे ही दें ताकि क्योंकि मुझे आ, अच्छी बॉल भी नज़र आ रही है बॉल मुझे गैप्स भी मिल रहे हैं और जब मैं मारना चाह रहा हूँ और दूसरा वाला जो पार्टनर वो स्ट्रगल कर रहा है तो उसमें यही कोशिश और यही बैट्समैनशिप होती है और गेम प्लानिंग जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सोच समझ के किस तरीके से आपने किसको मौका देना है किसको नहीं देना तो ये बड़ा जरूरी होता है जब आप अभी आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है पाकिस्तान समेत टोटल जितने नहीं जितने अभी करंट खेल रहे हैं करंट खेल रहे हाँ सूर्य गवार याद है सूर्य कुमार ये पहला टी फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से टी ट्वेंटी फॉर्मेट से कह रहा हूँ टी ट्वेंटी फॉर्मेट से ऑल ओवर हाँ। आप करें तो विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन नहीं ये है ये मैं बाबर आजम वर्ल्ड क्लास है हमारे बाबर आजम वर्ल्ड क्लास है वो हर मैच में रन कर रहा है वनडे में भी टेस्ट में भी टी बहुत रन कर रहा है मैं उसको मानता हूँ कि बहुत बड़ा प्लेयर है उसके पास हर शॉट है उसके कवर जो है वो कवर ड्राइव बड़ी मशहूर है सब कुछ है लेकिन मैं बाबर आजम रन बहुत कर रहा है लेकिन मैं उस वक्त बाबर आजम अच्छा ज़्यादा लगेगा कि जब बाबर आजम ने सो किए और पाकिस्तान जीता हो बाबर आजम ने पच्चीस रन किया और पाकिस्तान जीता हो वो ज़्यादा बड़ी इनिंग्स होगी सौ से ज़्यादा बाबर जी तो है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच सीरीज़ में अभी कराची में टेस्ट मैच हुआ था तो है उसमें नहीं कोशिश की हाँ, रुक गए हाँ, नहीं हो सका मैं कह रहा हूं कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस बाबर आजम इस, इस वक्त विराट के बाद सबसे अगर वर्ल्ड क्लास अगर आप देखते हैं टोटल फॉर्मेट में बाबर आजम बहुत बड़ा चलो अब यह है कि पाकिस्तान जंबावे में वापस आते हैं पाकिस्तान को आज की जीत चाहिए ही चाहिए पाकिस्तान ने दो तब्दीलियां की हैं ठीक है पाकिस्तान को एक ये भी बात हो रही कि फकर जमान अगर खेलते हैं तो वो या तो टॉप ऑर्डर पर खेलेंगे यानी ओपनर तो ये मुमकिन है फखर जमान नहीं लेकिन अभी तक तो इस बात नहीं अभी तक तो वो नहीं, नहीं आया। मेरा कहने का मतलब है क्या फख, फखर जमान आ, फिर डिक्लेयर हो गए हैं टीम में तो शामिल हैं वो क्या वो प्लेइंग एलेवन में आने के लिए तैयार हैं बिल्कुल अभी तक नहीं अभी तक नहीं है तो फिर तो मेरे ख्याल में फखर जमान की बात ही नहीं करनी चाहिए और प्रॉब्ली मेरे अपने नज़दीक जब आपने एक मैच खेल लिया है आपका भी कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है आप उसमें एक चेंज करना चाह रहे हैं एक फास्ट बॉलर को लाना चाह रहे हैं तो मैं क्यों चाहूँगा कि मैं अपने बैटिंग ऑर्डर को डिस्टर्ब करूँ आपके जो पीछे बैटिंग खेली उन्होंने बुरा नहीं किया आई थिंक ठीक है आपको उस वक्त एक बॉलर की कमी महसूस हो रही है क्योंकि पर्थ में बाउंस ज़्यादा है थोड़ी सी मूवमेंट भी होगी तो आपको एक चौथा फास्ट बॉलर चाहिए जो आप एक ऐसे बैट्समैन को चाहे वो आसिफ हो या हैदर हो उसमें से किसी एक को देखें मैं हमेशा से पहले भी मैं आपको कहता था कि जब आपके छः बैट्समैन कुछ नहीं कर सकते तो हाँ, बैट्समैन क्या करेगा हमेशा क्या आपके पास सातवें नंबर पर अगर नवाज जा रहा है फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको नीचे किसी और बैट्समैन की आठवें नंबर तक आप बैटिंग को लेके जा रहे हो टी ट्वेंटी में बीस ओवर में आपके आठ बैट्समैन बस ओवर नहीं खेल सकते तो तो ये बड़ी ज्यादती है है तो तो आपके पास प्रॉपर बैट्समैन नहीं, नहीं, नहीं समझ लेना ही अच्छा, कल मैं देख रहा था कि वो उस्मान कादिर फिट हो गए हैं ऐसा लगा कि वो फिट फिटनेस हासिल कर लिए उस्मान कादर को बाहर क्यों बिठाया था उसकी जगह फखर जमान को लाए क्यों थे ये मेरी समझ नहीं आया ये जो इनफिल्ड थे उनको बाहर कर दिया फखर जमान इनफिट थे उनको इन कर दिया ये समझ आपके नहीं पूरे पाकिस्तान जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं या बहुत से लोग क्रिकेट देखते हैं और या बहुत समझते हैं क्रिकेट को वो यही सवाल कर रहे हैं कि अगर फ़खर जमान इन फिट था तो उसको पंद्रह के स्क्वाड में शामिल क्यों किया अगर उस्मान कादर इन फिट था तो उसको बाहर क्यों किया भाई ये तो मैनेजमेंट बता सकती है ना हम क्या कादिर अगर हम टेक्निकल कमेटी से ये कह करके ये हमारा प्लेयर जो है वो इन फिट है और ये नहीं कुछ कर सकता तो क्या हम दूसरा प्लेयर नहीं बुला बुला सकते थे बुला सकते थे लेकिन ऐसा मन हम, हमने नहीं सोचा हमने कहा यही टीम हमारे पास पंद्रह सोलह है इन्हीं में से हम खिलाएँगे नहीं तो आपको एक अच्छा प्रॉपर यहाँ से बैटमैन लेग्सपेर कैसा है उस्मान का आ, नहीं अभी तो आई थिंक शादाब के होते हुए तो मैं नहीं फील करता कि उस्मान आदिर को अभी कोई जगह बनती है पाकिस्तान को प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही थी उनके बैटिंग डिपार्टमेंट वो इसीलिए चाह रहे थे कि हमारी बैटिंग में कोई ऐसा सा कोई प्लेयर आ जाए और जिसको हम क्योंकि टी ट्वेंटी के फॉर्मेट में फखर जमान का इतना रिकॉर्ड बुरा नहीं है तो उन्होंने यही समझा कि इन्होंने एक आध मैच में या दो चार दिन में ये ठीक हो जाएगा लेकिन जैसे कि मुझे कोई हतमी तो राय नहीं मुझे पता कि फ़ैसला क्या है क्या नहीं कि कितने मैचेस में वो नहीं खेल सकता हमें तो पहले ये पता लगा था कि शुरू के दो मैच में वो नहीं खेलेगा नहीं। तो आज दूसरा मैच है हो सकता है उसमें ना खेल सके तो आगे के जो तीन मैच जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अगर उसमें फिट हो जाते हैं लेकिन मेरे उसमें फिर भी एक आर्गूमेंट है कि एक शख्स क्रिकेट ही नहीं खेला हुआ बैटिंग ही उसने नहीं की हुई मैच सिचुएशन में एक से डेढ़ महीने का दो महीने का ले ऑफ़ के बाद आप कैसे उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आते ही वो जो है वो आपको रन्स करके दे देगा यस yes, चांस होता है कि आपको लकी दो तीन इधर उधर आपने शॉट्स खेले कैच ड्रॉप हो गए आप वापस फॉर्म में आके आपने हिटे मारने शुरू कर दी बट मोर और लेस जितने भी मैंने देखे हैं कि आप देखें ना स्ट्रोक्स कितने ले ऑफ के बाद आया है रन्स नहीं कर रहा ना So, उसको दो चार मैचेस चाहिए होंगे दो दो चार मैचेस तक तो, दो, तो मैच दोनों इनफीड थे उस्मान था फखर जमान इनफीड था तो आप टेक्निकल से कि शर्जील को बुलाते यार फिटनेस नहीं है वो खड़ा होगी शोर तो मार सकता है और ऐसी विकटों पे जहाँ पर गेंद होता पे शर्जील ओपनर है ओपनर है तो आपके पास मिडल ऑर्डर में और है क्या मुझे ये बता दें नहीं ना ओपनर है ना शर्जील तो शर्जील तो ओपन ही करता है ओपन करता आप शान के दे शान तो कहता है मैं हर नंबर पे खेलने जाऊँ अगर आप ओपन उसको नहीं खिलाते वन डाउन शर्जील खेलता शा, शान चार नंबर खेल लेता ये भी हो सकता है लेकिन ऑर्डर में आप किसको बुलाएंगे मुझे ये बता दें एकदम जरूरत ही नहीं है मिडल ऑर्डर सही है पक्का है पक्का है मिडिल ऑर्डर पक्का है क्योंकि 11 ओवर तो ओपनर से खेलने यही, आ, यही है, होता ना जी यही अब वो वो होता है शादाब को भेज दो नवाज को भेज दो या आसिफ को भेज दो 11 ओवर तो अगर आपके ओपनर्स खेलते हैं एवरेज मतलब कितनी बॉल्स हो गई 60 बॉल्स आपके बॉल्स 60 बॉल्स कर ना 60 बॉल्स आपका टॉप ऑर्डर खेलता है बाकी बॉल्स रह गए और उसमें उसमें भी आप भी आपका आपका ऑर्डर नहीं आता आता नवाज ऊपर है नवाज भी ज़ादाव ज़ादाव ऐसे आ बस सही है भाई तो आज का प्रोग्राम हम खत्म कर देते हैं यहीं पर आज के प्रोग्राम में काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की जो कि बहुत अच्छी भी थी जिसमें पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स पर हमने बात की पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में बात की पाकिस्तान को मैच जीतना जरूरी है बिल्कुल जरूरी है पाकिस्तान को थोड़ा सा अपना रन रेट जो बढ़ाना होगा क्योंकि माइनस जीरो पॉइंट फाइव पाकिस्तान का रन रेट है इस वक्त जो कि काफ़ी नीचे है एक ही मुकाबला हुआ है इसलिए ज़्यादा बात नहीं करनी आ, दूसरी जानब साउथ अफ्रीका का रन रेट प्लस फाइव है और न्यूज़ीलैंड का जो जो रन रेट है वो प्लस फोर है तो ये दो टीम्स दोनों ग्रुप से टॉप अभी तक करती हुई नज़र आ रही हैं एक मुकाबला अभी चल रहा है इंडिया नदरलैंड का एक मुकाबला ख़त्म हो चुका है जिसमें बांग्लादेश को भारी मार्जिन से शिकस्त दी साउथ अफ्रीका ने अब हम आपके सामने कल हाज़िर होंगे उस वक्त तक के लिए इजाज़त खुदा हाफिज़